today we are going to discuss the functions of drilling fluid. We have already discussed the functions of drilling fluid. Today we are going to discuss the drilling functions of drilling fluid in detail. So first let's start with the first function. First function, remove the drill cuttings from the wellbore. जो पहला फंक्शन होता है या फर्स्ट या फॉर्मेस्ट फंक्शन होता है, फॉर्मेस्ट फंक्शन होता है किसी भी ड्रिलिंग फ्लूइड या मड को यूज करने का, वो होता है कि जो भी वेलबोर की जब अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी रॉक की कटिंग जनरेट हुई है उनको रिमूव करें वेलबोर में से, ताकि अपना वेलबोर में जो भी ड्रिल स्ट्रिंग है वो स्ट्रक नहीं हो. ठीक है, तो उसके लिए अपन पहला फंक्शन क्या होता है कि एंश्योर दैट कटिंग जनरेटेड आर रिमूव कंटिन्यूसली. मतलब जो फर्स्ट फंक्शन अपन जिसकी बात कर रहे हैं कि कटिंग्स को रिमूव करें, तो उसके लिए जो मड है उसका फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए कि वो जो भी मड है वो ये एंश्योर करे कि जितनी भी कटिंग्स है वो जनरेट हो रही है उनको कंटिन्यूसली वहां से रिमूव करे. अगर वो कंटिन्यूसली वहां से रिमूव नहीं करेगा देन क्या होगा, इफ कटिंग्स आर नॉट रिमूव कंटिन्यूसली देन ड्रिलिंग एफिशिएंसी विल डिक्रीज. मतलब जो ड्रिलिंग करने की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जिस रोटेशन जिस आरपीएम से अपना बिट रोटेट होगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, तो पर फुट जितना वो ड्रिल कर रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, मींस ड्रिलिंग करने की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और जो अपनी ड्रिल स्ट्रिंग है वो भी स्ट्रक हो सकती है. ड्रिल स्ट्रिंग मींस जब अपन वेल है उसमें जो ड्रिल स्ट्रिंग है यहाँ पे बिट वगैरह लगी हुई है, अगर यहाँ पे कटिंग्स है जितनी भी कटिंग जनरेट होगी अगर वो रिमूव नहीं होगी तब क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसका रोटेशन कम हो जाएगा, और रोटेशन कम होने से क्या होगा ये स्टक हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, और ड्रिल स्ट्रिंग अगर स्टक भी है तो उसको रिमूव करने या उसको वापस रेक्टिफाई करने के लिए जो अपना ड्रिलिंग, क्योंकि ड्रिलिंग को स्टॉप करना पड़ेगा तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, तो जितना भी ड्रिलिंग अपन करते हैं उसका कॉस्टिंग आता है, बेसिकली ये आता है कि उसने कितने टाइम में कितना फिट ड्रिल किया उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग होता है. ठीक है, तो ड्रिल स्ट्रिंग अपना स्टक हो सकता है तो वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है डिजाइन मड मस्ट है. अब अपन ने जो भी मड है डिजाइन किया है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए या बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट वो अपनी फुलफिल करनी चाहिए, तो फर्स्ट थिंग इज कैरी द कटिंग्स टू द सरफेस व्हाइल सर्कुलेटिंग. जैसे अपन ने मड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करी थी, तो मड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे मड पिट से लेके पूरा केसिंग और ड्रिलिंग के थ्रू होते हुए या बिट से होते हुए कटिंग्स को क्या करता है सरफेस पे लेके आता है. ठीक है, तो जब अपना सर्कुलेशन सिस्टम ऑन है मतलब जब अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं सर्कुलेशन हो रही है मड की, तब क्या हो रहा है कि कटिंग्स को वो सर्कुलेट करके सरफेस पे लाए, ये उसकी ये प्रॉपर्टी या ये फंक्शन को फुलफिल करनी चाहिए. नेक्स्ट है सस्पेंड द कटिंग्स टू द सरफेस व्हाइल मड इज इन स्टैटिक कंडीशन. अगर अपन ड्रिलिंग नहीं कर रहे मतलब जब अपना सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा मड जो भी है वो क्या होगी स्टैटिक कंडीशन में है. मतलब स्टैटिक कंडीशन में तो कटिंग्स क्या होती है नीचे जमने लग जाएगी, तो वो क्या है सेटल डाउन नहीं हो कटिंग्स. तो मड की ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके अंदर या ऐसा उसके अंदर कुछ होना चाहिए कोई एडिटिव जो उसको ऐसी स्ट्रेंथ दे या ऐसी प्रॉपर्टी दे कि वो मड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तब भी कटिंग्स उसमें सस्पेंड होके रहे वो नीचे सेटल डाउन नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉप द कटिंग्स आउट ऑफ द सस्पेंशन एट द सरफेस. इट मींस क्या हुआ कि जो भी जब अपन ने सस्पेंशन में रखा पर अपन जब सर्कुलेट करके सरफेस पे वापस मड को लेके आ रहे हैं तब जो कटिंग सस्पेंडेड है वो वहां पे उसको ड्रॉप कर दे ताकि अपन कटिंग्स को अलग कर लें और मड को अलग करके वापस रिकंडीशन करेंगे मड को और वापस सर्कुलेशन के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो फुलफिल करनी चाहिए. रिमूव द वेल्व इस फंक्शन को अगर मुझे सेटिस्फाई करना है कि वो कटिंग्स को अच्छे से वेल्व को एफिशिएंटली वेल्व में से कटिंग्स को रिमूव करें. ठीक है, अब जो कटिंग्स को कैरी करने की कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि एनुलर वेलोसिटी कितनी है. अब एनुलर वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, जैसे ये बोला मैंने कि ये जैसे हॉल है और ये ड्रिल स्ट्रिंग है इन दोनों के बीच की स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं एनुलस बोलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी काम करेगी उसको बोलते हैं एनुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी है मड की उस पर डिपेंड करेगा कि वो मड की जो भी कटिंग से उसको कैसे कैरी कर पाएगा. उसके अलावा मड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके अलावा विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी
क्या करे, सस्पेंड करके रखे। और जो सस्पेंड करने की कैपेसिटी है कटिंग्स को, वो किस पर डिपेंड करेगी, जेलिंग प्रॉपर्टी पे। मतलब कि जो जैसे थिक्सोट्रॉपिक क्या आपने उसमें पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली एक जेल जैसी सी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है फ्लूइड की, वो क्या करेगा कि उसको उसमें सस्पेंड करके रखेगा, ठीक है। और ये जेल कब फॉर्म होगा, जब मड अपनी सर्कुलेट नहीं हो रही हो, जब मड स्टैटिक कंडीशन में हो, तब क्या होगी, ये कटिंग्स को वहां पे सस्पेंड करके रखेगी, ठीक है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन, प्रिवेंट द फॉर्मेशन फ्लूइड टू फ्लो इनटू द वेल बोर्ड। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रिवेंट द फॉर्मेशन फ्लूइड फ्लोइंग इनटू द वेल बोर्ड। नेक्स्ट फंक्शन अपना है कि जो भी अपना फॉर्मेशन फ्लूइड यानी कि ऑयल एंड गैस है, उसको वेल बोर्ड में फ्लो करने से प्रिवेंट करता है। वो कैसे करता है, एनफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर शुड बी एग्जर्टेड बाय द मड कॉलम टू प्रिवेंट द इनफ्लक्स ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड इनटू द वेल बोर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी अपना मड है वो इतना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है 0.052 इनटू मड विड्थ इनटू ट्रू वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। ये डेप्थ होगा अपना फीट में, ये मड विड्थ होगा पीपीजी में पाउंड पर गैलन, और ये होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो इतना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपन, इतना मड कॉलम है अपना वेल में, अपन इतना मड कॉलम है मड का, उसके इतना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा दिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपना इतना एनफ होना चाहिए, मतलब जो मड अपन ने प्रिपेयर किया है वो इतना प्रेशर लगानी चाहिए ताकि जो भी फॉर्मेशन फ्लूइड, इनफ्लक्स ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड, इनफ्लक्स मीन्स क्या है कि जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन फ्लूइड है, ठीक है, ऑयल एंड गैस, वो यहाँ पे वाइट फिलिंग यहाँ पे नहीं आए आपके वेल बोर्ड में, ठीक है। तो इतना वो कॉलम ऑफ मड है, इतना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू हाई, अब जो अपना प्रेशर अपन लगा रहे हैं मड कॉलम का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, जो भी फॉर्मेशन है अपन अपना यहाँ पे, वो क्या होगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, और जितनी भी मड है अपनी वो क्या करेगी, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर अपन ने एग्जर्ट किया है तो ये अगर फ्रैक्चर ग्रेडियंट, जैसे अपन ने बोला था कि इसके फ्रैक्चर ग्रेडियंट को एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फ्रैक्चर ग्रेडियंट मतलब एक रॉक का एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, उस प्रेशर के बाद अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तब वो क्या होगी, फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो भी फ्रैक्चर ग्रेडियंट, अगर डेप्थ के साथ फ्रैक्चर प्रेशर को डेप्थ से डिवाइड कर देंगे अगर फ्रैक्चर प्रेशर को, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर ग्रेडियंट। तो उस रॉक के फ्रैक्चर ग्रेडियंट को अचीव नहीं करना चाहिए, मतलब मड वेट ज्यादा होना चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि वो फॉर्मेशन फ्लूइड को आने से प्रिवेंट करे, बट और ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो रॉक को फ्रैक्चर करके जितना भी फ्लूइड है उसमें लॉस हो जाए, ठीक है। इफ टू आई, अगर बहुत ज्यादा हुआ तब क्या होगा, दैट इट विल फ्रैक्चर द फॉर्मेशन एंड विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एक्सपेंसिव मड। अगर ऐसा हुआ कि वो उसको फ्रैक्चर करेगा, देन क्या होगा कि ये पूरा मड अपना जहाँ फॉर्मेशन फ्रैक्चर हुआ है उस फ्रैक्चर में चला जाएगा, और उसकी वजह से अपना जो भी एक्सपेंसिव मड है, मतलब क्योंकि मड को प्रिपेयर करने में अपना कितना 10-15% जो टोटल वेल कॉस्ट है उसका इतना परसेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मड के लिए अपन प्रिपेयर करने में या उसके एडिटिव्स को खरीदने में या उसमें लगता है, तो अपना जो मड है वो काफी एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव मड अपना यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अपना जो ये मड लॉस हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन में फ्लो ऑफ मड इनटू द फॉर्मेशन व्हाइल ड्रिलिंग, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लॉस सर्कुलेशन बोलते हैं। उससे क्या होगा, लॉस सर्कुलेशन कैसे हुआ कि जो भी मड का सर्कुलेशन हो रहा था अपना, अगर ये मड का कॉलम है, यहाँ से मड अगर थोड़ा सा लॉस होकर अगर फॉर्मेशन में जाती है तब क्या होगा कि ये कॉलम है, जितना प्रेशर लगा रहा था उससे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, अगर ये हाइट कम हो रही है तो अपना प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा यहाँ से जो भी फॉर्मेशन फ्लूइड है वो क्या होगा, वेलकम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इतना मार्जिन लगाएंगे कि वो उसके फ्रैक्चर प्रेशर को एक्सीड नहीं करे, पर फॉर्मेशन फ्लूइड जितना भी है या फॉर्मेशन प्रेशर जितना ही है उससे ज्यादा लगना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि मड वेट मस्ट बी सेलेक्टेड दैट इट विल एक्सीड द पोर प्रेशर, मतलब पोर प्रेशर मतलब फ्लूइड जो है किसमें, पोर्स में फिट है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे, पोर प्रेशर। तो वो फ्लूइड के प्रेशर, मतलब यहाँ जो ऑयल एंड गैस है उसके प्रेशर को तो ज्यादा, उससे तो एक्सीड करे,
but not the fracture pressure of the formation. मतलब जो formation का fracture pressure है उससे कम हो, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए. मतलब अगर mud bed की बात करेंगे तो वो greater than होना चाहिए pore pressure से, but less than होना चाहिए pressure gradient से. ठीक है, अब अगर ये mud का weight मुझे increase करना है तो increase करने के लिए जैसे उसमें कुछ additives add करेंगे, तो additives basically use करते हैं वो है BaSO4. ठीक है, उसका specific gravity होता है 4.2 या कैल्शियम कार्बोनेट 2.5, हेमेटाइट 5.6, सिलिका या सैंड उसका 2.5. अगर यहाँ पे अपन देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका ज्यादा है, हेमेटाइट का, बेराइट का, तो इसका अपन को क्या चाहिए होगा, कम अमाउंट में अगर इनको ऐड करेंगे तब भी अपना मड का वेट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा. और लेस अमाउंट ऐड करने से क्या होगा कि जो भी मड की प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उन पे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आएगा. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है बेराइट. जनरली जो यूज करते हैं वो अपन मड को अगर इंक्रीज करने के लिए मड के वेट को, तो अपन बेराइट यूज करते हैं. ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि व्हेन ड्रिलिंग थ्रू परमेबल जोन, मतलब कहीं पे परमेबल जोन मतलब कोई भी सेंट का पार्ट है, तब वहां पे क्या है, सेंट में अपन ने बोला पोरोसिटी भी होता है और परमेबिलिटी होता है. अगर उस जोन के थ्रू अपन ड्रिलिंग कर रहे हैं तब मड क्या होगी, अपन जब ड्रिलिंग करेंगे और ऊपर से अगर प्रेशर लगा रहे हो, यहाँ पे क्या है परमेबल जोन है, परमेबल जोन है, तो यहाँ पे जितना भी अपना मड है वो जैसे लॉस सर्कुलेशन का, तो क्या हो रहा, फ्रैक्चर हो गई पूरी की पूरी मड उसमें लॉस हो रही थी. बट इसमें ऐसा नहीं होता है, जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड है ड्रिलिंग मड में से, वो फ्लूइड इसको परमेबल जोन में जाएगा, मतलब उसमें जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो भी सॉलिड पार्ट है उसका वो क्या होगा इसकी वॉल पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, और जो भी इसका लिक्विड पार्ट है वो यहाँ पे उसको परमेबल, मतलब ये एक छल्ली की तरह काम करेगा, तो जितना भी सॉलिड है वो यहाँ पे लग जाएगा वॉल पे डिपॉजिट होता जाएगा, और जितना भी लिक्विड पार्ट है वो यहाँ पे अपने फॉर्मेशन में जाएगा. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे सबमिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, मड केक या फिर फिल्टर केक बोलते हैं. ठीक है, और जो इसके अंदर जाएगा उसको बोलते हैं अपन मड फिल्ट्रेट. ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से फिल्टर होते मड यहाँ पे आ गई, तो उसको बोलते हैं मड फिल्ट्रेट. अब ये जब प्रोसेस हो रहा है ये ओनली क्या परमेबल एंड फोरेसेंट परमेबल जोन में ही होगा. ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट हुआ है वॉल पे, ये एक तरह से डिपॉजिट होने से कुछ ना कुछ फायदा है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि एकदम से परमेबल फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मड लॉस हुई है. ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ही ये वॉल पे यहाँ पे एक तरह से प्लास्टर की तरह काम करेगा, अगर ये यहाँ पे केक डिपॉजिट हो गया है तो उसके बाद जब अपन ड्रिलिंग करेंगे तो और फ्लूइड इसमें लॉस नहीं होगा. ठीक है, अगर अपन ये कंटिन्यू होता जाता है, बहुत ज्यादा परमेबल फॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, मड के साथ कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जो भी पोर्स है मतलब जो भी परमेबिलिटी है वो उनको भी ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, तो वो उसको ब्लॉक नहीं करे उसके लिए यहाँ पे केक डिपॉजिट होना जरूरी है. अब जो अपना मड केक है वो क्या है कि एकदम से बहुत ज्यादा थिक नहीं सबमिट होना चाहिए. जैसे ये वॉल है और यहाँ पे ये अपना वेल है और ये इसकी वेल बोर है. ठीक है, तो इसमें अगर ये ड्रिलिंग है इनके बीच में अगर ये मड केक है बहुत ज्यादा थिक डिपॉजिट हो गया, तब क्या होगा, धीरे धीरे से ये इसको स्टक कर देगा ड्रिलिंग को. ठीक है, तो ये इतना ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए. तो अगर अपन आइडियल मड केक की बात करेंगे तो आइडियल मड केक क्या होगा कि एक तो थिन होना चाहिए और इम्परमेबल होना चाहिए. इम्परमेबल मतलब उसमें से वो पास नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बंद करो. नेक्स्ट फंक्शन मेंटेन द वेलबोर स्टेबिलिटी. अब वेलबोर की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन कर रहा है, जैसे अपन ने बोला कि मड केक एक तरह से फॉर्म हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वेलबोर है, जैसे अपन रूम की वॉल्स पे प्लास्टर करते हैं, वैसे ही मड अगर सर्कुलेट होती है तो वो क्या करेगी, एक तरह से जो भी की जो वॉल्स है उस पर क्या एक तरह से प्लास्टरिंग का काम करेगी. ठीक है, तो वेलबोर की स्टेबिलिटी को वो मेंटेन करके रखता है. उसके अलावा वेलबोर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अपन ने जैसे बोला कि कोई भी मड बेड अपन प्रिपेयर करते हैं या मड की डिजाइनिंग करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जो भी नियर बाय वेल है या जो भी नियर बाय वेल है उससे अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे पता करते हैं कि उस वेल में क्या प्रेशर था या फिर किस तरह का मड अपन ने यूज किया था. ठीक है, तो नियर बाय वेल के डेटा से अपन को पता चल जाएगा कि
उसमें अपन पहले से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वहाँ पे उस वेल में क्या क्या बोरवेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, बोरवेल में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। इट मीन्स कि अगर वहाँ पे पहले कोई प्रॉब्लम्स किस किस वजह से हुई है, लाइक अनस्टेबल शेल, जो बेसिकली वेल में किसी भी ड्रिलिंग वाइल ड्रिलिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो मेनली आती है शेल के साथ, जो शेल होती है उसके साथ। शेल में क्या होता है कि ये जो भी इसमें क्ले होती है वो क्या होती है, जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी वो हाइड्रेटेबल क्ले होती है, तो वाटर के कॉन्टेक्ट में आते ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और वो क्या होगी, क्ले स्वेल हो जाएगी या हाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो भी फॉर्मेशन होगा वो पूरा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर अनस्टेबल शेल है या फिर कोई भी हाईली परमेबल जोन है या फिर लॉस सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो गया, लॉस सर्कुलेशन एक तो कब होता है जब अपन ब्लड का वेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो अपना जो भी प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसी की वजह से फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो रहा है। पर जनरली क्या होता है कि नेचुरली भी वहाँ पे फॉर्मेशन में फ्रैक्चर हो सकते हैं और अपन को पता नहीं है, मतलब अपन ने प्रिडिक्ट किया था बट उस जियोलॉजिकल मैप में वो शो नहीं हुआ है या पता नहीं चला है, तो क्या होगा, लॉस सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है या उसके अलावा कहीं पे ओवर प्रेशर जोन है। ओवर प्रेशर जोन आप ओवर प्रेशर कैसे या ओवर प्रेशर या अबनॉर्मल प्रेशर कैसे जनरेट होता है वो आपने ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ओवर प्रेशर जोन से तो ये सब चीजें अपन जो भी नियर बाई वेल था उस फील्ड में उसमें अगर ऐसा हुआ है तो अपन भी ऐसा अज्यूम करेंगे, जरूरी नहीं कि उसमें वैसा ही हो इस वाले वेल में, बट अपन ऐसा प्रिडिक्ट करके चलेंगे पहले से ही, अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे कि ये ऐसा इस वेल में भी हो सकता है, ठीक है। देन शेल इनस्टेबिलिटी, जो शेल की इनस्टेबिलिटी होती है वो दो रीजंस की वजह से जनरेट होती है। फर्स्ट हो सकता है प्रेशर डिफरेंशियल, प्रेशर डिफरेंशियल मतलब जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है वो और यहाँ पे जो फॉर्मेशन प्रेशर लग रहा है वो, इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है देन यहाँ पे शेल की अनस्टेबिलिटी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो अगर इसको रेक्टिफाई करना है इस प्रॉब्लम को तो मैं क्या कर सकती हूँ कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इंक्रीज कर सकती हूँ, और इंक्रीज कैसे कर सकती हूँ कि मन का वेट इंक्रीज करूंगी तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है 0.052 इनटू मड वेट इनटू ट्रू वर्टिकल डेप्थ, ठीक है। यहाँ पे अगर मड के वेट को मैं इंक्रीज करूंगी तो अपना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो भी प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से अनस्टेबिलिटी वहाँ पे हुई है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है हाइड्रेशन ऑफ क्ले विद इन द शेल बाय द मड फिल रेट। अपन ने बोला कि जब अपन परमेबल फॉर्मेशन में ड्रिलिंग करेंगे तब क्या होगा कि कुछ पार्ट ऑफ जो मड है वो यहाँ पे एक की तरह डिपॉजिट होगा, जो सॉलिड पार्ट है बट जो लिक्विड पार्ट है वो क्या करेगा इसमें अंदर जाएगा फॉर्मेशन में। अगर फॉर्मेशन में जो फिल रेट गया है और यहाँ पे अपन ने वाटर बेस्ड मड यूज करी है, वाटर बेस्ड मतलब जो भी वाटर बेस्ड मड थी वो क्या था उसमें कंटिन्यूस फेज वाटर था, ठीक है, तब उसको बोलेंगे वाटर बेस्ड मड। अगर वाटर बेस्ड मड करिए तो अपन ने बोला कि शेल क्या होती है उसके अंदर जो भी क्ले होती है वो क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और हाइड्रेट हो जाएगी, हाइड्रेट होने से ये क्या होगी अनस्टेबल हो जाएगी। तो अगर इस प्रॉब्लम को मुझे रेक्टिफाई करना है तो अपन क्या करेंगे नॉन वाटर बेस्ड मड यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो वाटर बेस्ड मड है उसी के अंदर अपन कुछ एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं और उस मड को बोलेंगे अपन इनहिबिटेड मड, ठीक है, इनहिबिटेड मड। ये नेक्स्ट अपन मड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि इनहिबिटेड मड क्या होती है, नॉन इनहिबिटेड मड क्या होती है। बेसिकली जो इनहिबिटेड मड यूज होती है उसका यूज होता है जहाँ पे शेल फॉर्मेशन आ रहा है वहां पे अगर ड्रिलिंग करना है तब वहां पे ये वाली मड यूज होती है। नेक्स्ट फंक्शन है कूल एंड लुब्रिकेट द वेल, जो ड्रिलिंग फ्लूइड है जैसे अपन ने बोला कि कंटिन्यूसली कोई भी हार्ड रॉक है उसको अगर ड्रिल बिट कंटिन्यूसली ड्रिल करिए तो वो क्या करेगी लार्ज अमाउंट में हीट को जनरेट करेगी, और अगर कंटिन्यूसली हीट जनरेट होगा तो वो जो भी अपना ड्रिल बिट है वो क्या जल्दी से वियर आउट होने के चांसेस होंगे, तो वो जल्दी से वियर आउट नहीं हो तो उसके लिए या जल्दी से खराब नहीं हो जल्दी से नहीं टूटे तो ये क्या होगा जैसे ही अगर अपन ड्रिलिंग फ्लूइड यहाँ से सर्कुलेट होगा तो क्या करेगा एक बार के लिए बिट को क्या करेगा कूल डाउन कर देगा और उसको लुब्रिकेट भी कर देगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे लुब्रिकेट करने से बिट की जो लाइफ है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड द हाइड्रोलिक हॉर्स पावर टू द बिट, ये क्या करता है कि फ्लूइड है वो हाइड्रोलिक हॉर्स पावर भी बिट को प्रोवाइड करता है, कैसे करता है ड्रिलिंग में थोड़ा असिस्ट करता है, जो अपनी ड्रिल बिट होती है ड्रिल बिट में क्या होते हैं जो ये यहाँ पे नोजल्स लगे हुए हैं, इन नोजल्स के थ्रू क्या होगा फ्लूइड पास करेगा तो ये कटिंग्स को यहाँ से रिमूव कर देगा, कटिंग्स को रिमूव करेगा तो ये एक तरह से पावर ही प्रोवाइड कर रहा है वो उसको ड्रिलिंग में असिस्ट करने के काम आ रहा है।
क्या होते हैं।